हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोली फैक्ट्स एंड मोटिवेशनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेट पर राज करने वाली एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही सरल बना दिया है। ऐसी वेबसाइट है जिस पर लोगों के हर सवाल का जवाब चुटकियों में मिल जाता है। 4 सितंबर 1998 में गूगल कंपनी की स्थापना हुई थी। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने गूगल कंपनी की स्थापना की थी। ये दोनों गूगल के फाउंडर हैं। लैरी पेज के माता पिता दोनों ही एक यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ाते थे। इसी की वजह से लैरी पेज के घर पर कंप्यूटर से संबंधित किताबें और साधन सामग्री पड़ी रहती थी और उस वजह से लैरी पेज का कंप्यूटर के प्रति आकर्षण भी बढ़ गया था। सर्गी ब्रिन के पिता मैथमेटिक्स में प्रोफेसर थे और माता नासा में रिसर्चर थीं। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन एक दूसरे से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहली बार मिले थे और वहीं सही उन लोगों ने गूगल की शुरुआत की थी। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन सर्च इंजन बना रहे थे तब उन्होंने उनका नाम बैक रब रखा था और बाद में जाकर उन्होंने उस सर्च इंजन का नाम गूगल रख लिया। गूगल शब्द गूगल नाम के शब्द के ऊपर से रखा गया है। गूगल शब्द की गलत स्पेलिंग से उस सर्च इंजन का नाम गूगल रखा गया। गूगल शब्द का मतलब है कि एक के पीछे 100 जीरो। गूगल के नाम को अंकों में एक के बाद 100 जीरो के रूप में लिखा था। वे दोनों ही मिलकर एक ऐसा सर्च इंजन बनाना चाहते थे कि जिससे लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिल सके और इस वजह से उस सर्च इंजन का नाम गूगल रखना चाहते थे, पर गलत स्पेलिंग की वजह से उसका नाम गूगल हो गया। शुरुआत में गूगल वेबसाइट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट के अंतर्गत google.stanford.edu के नाम से चलती थी और आगे जाकर फिर 15 सितंबर 1997 में गूगल ने अपना खुद का डोमेन google.com रजिस्टर करवा लिया। इस कंपनी की शुरुआत 4 सितंबर 1997 में लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने सूजन नामक लड़की के गैराज से की थी। सूजन गूगल कंपनी की पहली कर्मचारी थी और अब वह यूट्यूब की CEO है। गूगल का हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है और उसे गूगल प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। और रोचक बात तो यह है कि उस समय मार्केट में याहू सर्च इंजन बड़ा ही पॉपुलर था और सारे लोग उसी का इस्तेमाल भी कर रहे थे। एक बार गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ब्रिन गूगल के सर्च इंजन एल्गोरिथम को $1 मिलियन में बेचने के लिए याहू के पास भी गए, क्योंकि उस समय उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें बिजनेस नहीं करना चाहिए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी हो रही पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। पर याहू कंपनी ने गूगल को खरीदने का ऑफर ठुकरा दिया। 2002 में याहू को एक बार फिर से गूगल को खरीदने का मौका मिला $5 बिलियन में, पर याहू $3 मिलियन से ज़्यादा देने को तैयार नहीं था। इसी वजह से गूगल को नहीं खरीदा और ये गलती याहू की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि आज उस गूगल कंपनी की संपत्ति $800 बिलियन से भी ज़्यादा है और दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन भी है। गूगल को सबसे पहले फंडिंग सन माइक्रोसिस्टम्स के को फाउंडर द्वारा $1 लाख सैलरी मिली थी और उसके बाद 1998 में amazon.com के फाउंडर जेफ बेजोस ने और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंस प्रोफेसर ने भी गूगल में निवेश कर लिया। 19 अगस्त 2004 में गूगल ने पहली बार सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को पब्लिक किया, यानी कि अब कोई भी इस कंपनी के शेयर को खरीद सकता था और उस कंपनी का हिस्सेदार भी बन सकता था। गूगल एक सर्च इंजन होने के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट का भी एक प्लेटफॉर्म है, जो कि गूगल की कुल आमदनी का मुख्य स्रोत माना जाता है। अप्रैल 2003 में गूगल ने अप्लाइड सिमेंटिक्स नामक एक कंपनी को खरीदा
और वह कंपनी ऑनलाइन प्रचार से संबंधित सॉफ्टवेयर बनाने में माहिर थी। गूगल एडसेंस टेक्नोलॉजी में अप्लाइड सिमेंटिक्स के द्वारा ही बनाई गई थी। जुलाई 2005 में गूगल ने दुनिया के सबसे अधिक मोबाइल में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को $50 मिलियन में खरीद लिया। फिर 13 नवंबर 2006 में गूगल ने यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीदा, जो कि आज दुनिया की नंबर 1 वीडियो शेयरिंग वेबसाइट बन चुकी है। ऐसे ही गूगल ने दुनिया की कई और भी कंपनियों को खरीद रखा है। आइए अब जानते हैं कि आखिर गूगल कंपनी का विकास कैसे हुआ। गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत ही कम समय में बहुत अधिक विकास कर लिया है। इसके विकास के विभिन्न चरण आइए आपको बताते हैं। मार्च 1999 के समय गूगल ने अपना ऑफिस कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में बनाया। इस समय यहाँ पर सिलिकॉन वैली के अंतर्गत स्टार्टअप करने वाली बहुत सी कंपनियां इसी समय पर काम कर रही थीं। वर्ष 2000 में गूगल ने बेचने एवं प्रचार करने का काम शुरू किया, जिसमें कीवर्ड तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। कीवर्ड एडवर्टाइजमेंट सेलिंग का काम सबसे पहले goto.com के लिए किया गया। यह वेबसाइट आइडिया लैब का एक स्पिन ऑफ था, जिसे बिल ग्रॉस ने तैयार किया था। वर्ष 2001 में अपने पेज रैंक मैकेनिज्म के लिए गूगल को पेटेंट भी प्राप्त हो गया। औपचारिक तौर पर यह पेटेंट स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को दिया गया था, जिसमें इन्वेंटर के तौर पर लॉरेंस पेज का नाम दिया गया। वर्ष 2003 में इस कंपनी ने अपना एक ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स 1600 एमपी थिएटर पार्कवे माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थापित किया। इस स्थान को अब गूगल प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। गूगल प्लेक्स का इंटीरियर क्लिव विल्किंसन द्वारा बनाया गया था। वर्ष 2005 में गूगल के थर्ड क्वार्टर लाभ में 700% की बढ़त पाई गई। इसी तरह 2009 में यह भी देखा गया कि इस सर्च इंजन में प्रतिदिन 1 बिलियन से अधिक राजनीतिक रिसर्च किए गए। मई 2011 में मासिक तौर पर गूगल विजिटर की संख्या पहली बार 1 बिलियन से ऊपर गई। ये आंकड़ा वर्ष 2010 में 931 मिलियन था। वर्ष 2012 में गूगल ने 50 बिलियन सालाना कमाई की। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक वर्ष में गूगल इतने पैसे कमा सका। वर्ष 2012 के समाप्त होते होते यह देखा गया कि कंपनी वर्ष के प्रति क्वार्टर में अपने लाभ का 8% तथा सालाना बतौर कुल अपने लाभ का 36% कमाती है। वर्ष 2013 में गूगल के कैलिको नाम की एक कंपनी का गठन किया, जिसे एप्पल INC के साथ संलग्न किया गया। इस वर्ष 27 सितंबर को गूगल ने अपनी कंपनी का 15 वर्षीय जश्न मनाया। वर्ष 2016 में अपनी कंपनी के 18 वर्ष पूरे होने में जश्न मनाते हुए गूगल ने अपने वेब ब्राउजर पर डूडल नाम का एक एनिमेशन जारी किया, जिसे विश्व भर में गूगल वेब ब्राउजर पर देखा भी गया। गूगल इस समय कई अन्य कंपनियों जैसे फेसबुक, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। अक्टूबर 2016 तक गूगल ने विश्व भर में 40 देशों में लगभग 70 ऑफिस बना रखे हैं, जहां पर हजारों लोग कार्यरत हैं। गूगल इस समय संसार के सबसे विजिट किया जाने वाला वेबसाइट माना जाता है और है भी। गूगल के अंतर्गत और भी कई ऐसी सेवाएं हैं, जैसे यूट्यूब, ब्लॉगर आदि खूब चलता है। आइए जानते हैं गूगल डेटा सेंटर आखिर है कहाँ। वर्ष 2016 तक गूगल ने पूरे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 9 डेटा सेंटर अपने नाम किए और वो अभी भी चल रहे हैं।
इसके अतिरिक्त एशिया में 2 डेटा सेंटर तथा यूरोप में 4 डेटा सेंटर तैयार करके रखे हैं। दिसंबर 2013 में गूगल ने यह घोषणा की थी कि हांगकांग में भी ऐसे डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अक्टूबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने गूगल डेटा सेंटर के बीच के कम्युनिकेशन को मस्कुलर नामक एक प्रोग्राम के तहत अवरोध किया, क्योंकि गूगल अपने नेटवर्क के अंदर डेटा एनक्रिप्ट नहीं करता था। इसके बाद वर्ष 2013 से गूगल अपने डेटा सेंटर में भेजे जा रहे डेटा को एनक्रिप्ट करना शुरू कर दिया। गूगल का सबसे आसानी से चलने वाला डेटा सेंटर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर चलता है। इसका सर्वर अक्सर इतना गर्म होता है कि कोई व्यक्ति कुछ क्षणों से अधिक देर तक यहां पर खड़ा नहीं रह सकता। वर्ष 2011 तक गूगल के सभी डेटा सेंटर को मिलाकर 9,00,000 सर्वर मौजूद थे। यह आंकड़ा ऊर्जा के इस्तेमाल के आधार पर था। हालांकि गूगल ने कभी इस बात पर खुलासा नहीं किया कि उसके पास कुल कितने सर्वर हैं। दिसंबर में गूगल ने इस बात का ऐलान किया कि 2017 से गूगल अपने डेटा सेंटर और ऑफिस के लिए 100% रिन्यूएबल एनर्जी, कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा का प्रयोग करेगा। यदि ऐसा होता है तो गूगल कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रयोग करने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। इस कंपनी को चलाने के लिए कुल 2600 मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी पूर्ति सौर ऊर्जा तथा वायु ऊर्जा से बनी बिजली से की जाएगी। अब आइए जानते हैं गूगल के सॉफ्टवेयर क्या हैं। YouTube, Chrome, Google Drive, Google Contact, Play Store, Google Classroom, Google AdSense and AdWords, Google News, Google Assistant, Google Admin, Google Pay, Google Map जैसे कई सॉफ्टवेयर Google के ही हैं। और हम इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अपनी रोज की रोज प्रक्रिया में करते भी हैं। अगस्त 2015 में Google ने यह घोषणा की कि वह अपने सारे बिजनेस को एक नई कंपनी अल्फाबेट के नाम से चलाएगी। यह कंपनी 2 अक्टूबर 2015 को अस्तित्व में आई और यह गूगल की पैरेंट कंपनी भी बनी, जिसमें लैरी पेज सीईओ हैं और सर्गे ब्रिन प्रेसिडेंट हैं, जिसमें इस समय 80,000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। जिस समय लैरी पेज ने गूगल का सीईओ का पद छोड़ा, अल्फाबेट का सीईओ का पद संभाला, उसी समय गूगल के नए सीईओ भारत के सुंदर पिचाई बने। आज सुंदर पिचाई अल्फाबेट के भी सीईओ हैं। गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने इलेक्ट्रिक कार को भी बनाया है, जिसे बिना ड्राइवर के भी चलाया जा सके, और अल्फाबेट ने उस कार की टेस्टिंग भी की है। आने वाले कुछ सालों में ऐसी ही कार हम सड़कों पर चलती हुई देखेंगे। 2010 में गूगल ने अपना खुद का मोबाइल नेक्सस 1 को लॉन्च किया। ज्यादातर मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यह गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी की वजह से उन सभी मोबाइलों में गूगल के सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल हुआ करते हैं। गूगल के द्वारा बनाया गया हर सॉफ्टवेयर हमारे लिए काम का होता है, और उसमें से यूट्यूब तो कमाल का ही सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब की वजह से लाखों करोड़ों विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। गूगल सर्च इंजन की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से लोग गूगल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और याहू का इस्तेमाल कम होने लगा था। आज के इस वीडियो में हमने आपको गूगल से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताया है कि आखिर कैसे एक छोटे से गैरेज से शुरू होने वाली एक वेबसाइट आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग गूगल के बनाए गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। महज कुछ सालों के ही अंदर गूगल ने इंटरनेट की दुनिया में अपना नाम बना लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही शेयर और लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।